यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आठवीं कक्षा का पांचवा अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं थी वो पढ़ी हैं। और वो क्या थी, पहले सबसे पहले हमने पढ़ा आंकड़े किसे कहते हैं, उसके बाद आंकड़ों को निरूपित करने के लिए प्रयोग किए गए आलेख, जिनमें से पहला आलेख है चित्रालेख, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था एक दंड आलेख, फिर द्विदंड आलेख और फिर आयत चित्र। और इस वीडियो में हम जो आपकी प्रश्नावली 5.1 है उसको हल करेंगे। तो आओ मिलकर हल करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। इसमें से कुछ उदाहरण दिए गए हैं और यह पूछ रहा है कि आप कौन से उदाहरणों में से ए बी सी डी में से आप आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयत चित्र का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे हम आंकड़ों को वर्ग अंतरालों में डाल सकें, जहाँ पे जो दिए गए आंकड़े हैं, जो दिए गई सूचनाएं हैं, उनको अगर हम वर्ग अंतरालों में बांट सकते हैं तो वहाँ पे आयत चित्र का प्रयोग होता है, नहीं तो एक दंड आलेख या द्विदंड आलेख या फिर हमें चित्रालेख का प्रयोग करते हैं। इसने ही सवाल में पूछा है कि किन किन उदाहरणों में आप आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण है एक डाकिये के थैले में विभिन्न पत्रों की संख्या, कि डाकिये के थैलों में विभिन्न अलग अलग तरह के पत्र हैं, तो बहुत एक तो पत्र बहुत सारे हैं और उसमें से क्या है, आप अलग अलग वर्ग अंतरालों में उन पत्रों को नहीं बांट सकते, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हैं। तो इसमें जो आपका ए भाग है इसमें आप आयत चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद है किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, हाँ इसमें आप आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, हम ऐसे ले लेंगे कि जो आपके पास प्रत्याशी हैं जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनकी ऊंचाई हमने मान लिया, उनकी ऊंचाई शुरू हो रही है 175 सेंटीमीटर से, तो 175 से मान लीजिए हम इस तरह से बांट सकते हैं 180 सेंटीमीटर में कितने प्रत्याशी आएंगे, उसके बाद 180 सेंटीमीटर से 185 सेंटीमीटर में आने वाले प्रत्याशियों की संख्या, इस तरह से खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को हम क्या कर सकते हैं, वर्ग अंतरालों में बांट सकते हैं, कि जितनी भी आपके पास ऊंचाई दी होगी उसको देखकर हम ये कर लेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊंचाई, यहाँ से शुरू हो रही है और आखिरी ऊंचाई यहाँ तक है, उसी हिसाब से अगर पांच पांच का वर्ग अंतराल बनता होगा तो पांच का बना लेंगे, दस का बनता होगा तो हम दस दस के हिसाब से बना लेंगे। तो इसका मतलब हुआ जो आपका उदाहरण बी है, जो भाग बी है, इसको हम आयत चित्र की सहायता से दर्शा सकते हैं। सी भाग है पांच कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, कंपनियां कितनी है, पांच अलग अलग कंपनियां हैं, इसमें निर्मित कैसेटों की संख्या को हम वर्ग अंतरालों में नहीं बांट सकते, ठीक है। अब इसके अगला भाग है किसी स्टेशन पर प्रातः 5 बजे से साय 5 बजे तक आने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या, इसने कहा है सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक जितनी भी रेलगाड़ी आई है उसमें यात्रियों की कितनी कितनी संख्या आई है। हाँ इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो दिए गई सूचनाएं हैं, जो दिए गए आंकड़े हैं, उनको हम वर्ग अंतरालों में बांट सकते हैं। हम ऐसे ले सकते हैं कि सुबह 7 बजे से हमने 2-2 घंटे का वर्ग अंतराल ले लिया, 9 बजे तक इतनी रेलगाड़ी आई और रेलगाड़ियों में कितने यात्री आए, मान लीजिए हमने 150 यात्री आए, फिर 9 बजे से 11 बजे तक इतने यात्री आए, कितने भी हो सकते हैं, 200, 250, 300, ठीक है। इसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक इतने यात्री आए, इस तरह से हम ये 12 घंटे हैं और 2-2 घंटे का अंतराल भी लेते हैं तो 6 वर्ग अंतराल बनेंगे और इसको हम जो भाग डी है इसको हम वर्ग अंतरालों में बांट सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि हम अगर वर्ग मतलब अगर हम आयत चित्र की सहायता से इनको दर्शा सकते हैं तो आपको कारण बताना है, और कारण ये है कि अगर किसी भी उदाहरण को या दिए गए 4 उदाहरणों में से किसी को भी आयत चित्र की सहायता से हम दर्शाएंगे तो उसमें सबसे जरूरी है कि जो दिए गए आंकड़े हैं उनको हम वर्ग अंतरालों में दर्शा सकें, ठीक है। तो हमारे 4 का जो भाग है इसको भी हम वर्ग अंतरालों में दर्शा सकते हैं। तो इसमें बनेगा आपके पास बी और डी,
भाग बी और भाग डी है, उन दोनों को हम वर्ग अंतरालों में दर्शा सकते हैं, इसीलिए इन दोनों का आयत चित्र बनाना संभव है और ए और सी भाग का आयत चित्र नहीं बन सकता। इसके बाद है भाग दो, किसी विभागीय स्टोर पर विभिन्न खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। इसमें कैसे किया जाता है कि जो पुरुष है उनको दर्शाया गया है M से, M for male, पुरुषों को किसे दर्शाया गया है M से, और महिलाओं को W यानी कि वुमेन। इसके बाद लड़का है उसको दर्शाया गया है बॉयज B से, और लड़कियों को दर्शाया गया है G for girl से। ठीक है, निम्न सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातः पहले घंटे में आए, जो पहले घंटे में खरीदारी करने के लिए आए हैं। सबसे पहले जैसे या डब्ल्यू 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 यानी कि तीनों क्या थी स्त्री महिलाएं थी, तीन क्या थी महिलाएं। उसके बाद एक लड़की आई, फिर एक लड़का आया, फिर दो महिलाएं आई, फिर एक पुरुष आया, उसके बाद दो लड़कियां। इस तरह से ये कितने हैं, जब हमने इनकी गिनती की तो टोटल कितने हैं, ये सात। कितने हैं आपके पास खरीदार, सात हैं। तो इनका क्या करना है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबार का बंटन सारणी बनाइए, उसे प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख भी खींचिए। इसमें क्या कहा, पहले तो बारंबार का बंटन सारणी बनानी है आपको और उसके बाद दंड आलेख भी खींचने हैं। तो बनाते हैं हम बारंबार का बंटन सारणी, कैसे बनाएंगे। आगे है ये आपकी बारंबारता बंटन सारणी, इसमें हमने सबसे पहले लिखा खरीदारों के प्रकार, यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पे महिला, लड़के और लड़कियां, फिर यहाँ पे मिलान चिन्ह, ठीक है, और ये बनेगी बारंबारता की खरीदारों की संख्या। आप बारंबारता की जगह पे क्या लिख सकते हो, खरीदारों की संख्या भी लिख सकते हो। तो पुरुष है वो कितने 28, खरीदारी के लिए जो पुरुष आए वो है 28, तो आप 28 को मिलान चिन्हों की सहायता से कैसे दिखाएंगे, एक दो तीन चार और ये होगी पांच, एक दो तीन चार पांच, दो तीन चार और यहां से ये पांच, एक दो तीन चार और पांच, पांच तो के 20। आगे दिखाएंगे एक दो तीन चार पांच, ये 25 हो गए, 26 27 और एक 28, ये बन गया आपके पास पुरुषों की संख्या है 28 और ये बना दिए मिलान चिन्ह। इसके बाद है महिलाएं, और महिलाएं कितनी है 15, महिलाएं इसमें कितनी है 15 है, तो कैसे दिखाएंगे एक दो तीन चार और ये हो गया पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये बन गए तीन बनेंगे यहाँ पे जोड़े मिलान चिन्हों के। फिर लड़के हैं, लड़के कितने हैं पांच, तो पांच दिखाएंगे एक दो तीन चार और यहाँ से इनको काट देंगे, तो ये बन गए मिलान चिन्ह। इसके बाद लास्ट है लड़कियां, लड़कियां हैं 12, एक दो तीन चार और हमने इनको काट दिया, एक दो तीन चार दो पांच और पांच 10 हो गए और दो हमने अलग दिखा दी, ये कितने हो गए 12। ठीक है, ये होगी हमारी हमारे पास बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, अब इसका इस सारणी को आपने दंड आलेख की सहायता से निरूपित किया है और ये है इसका दंड आलेख, क्या बोलेंगे हम इसको, दंड आलेख। यहाँ पे हम ये आपके पास सीधी लाइन है, इससे आप दिखाएंगे खरीदने वाले या खरीदारों के प्रकार कि क्या क्या है। पहले हमने लिया पुरुष, उसके बाद ली महिला, फिर लिए लड़के और फिर ली लड़कियां। ठीक है, तो पुरुष कितने हैं, हमने यहाँ से लिया 28, तो हम यहाँ पे जो ये आपके पास खड़ी लाइन है, इस जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। और दंड आलेख बनाने के लिए आपको ग्राफ जो मिलते हैं, ग्राफ के पेज मिलेंगे, आपको ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, जो एक बॉक्स है उसमें कितने लिए, दो के लिए, दो खरीदारों के लिए एक बॉक्स यूज हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक बॉक्स किसके लिए बनाया गया है, दो खरीदार। क्या एक बॉक्स किसके बराबर है, दो खरीदारों के बराबर है, और यहाँ से हमने दो दो का वर्ग अंतर
अंतराल लेके हमने कहाँ तक ले लिया, 28 तक, 28 तक अंतराल बना दिया, दो दो से दो, चार छह आठ दस बना के। इसके बाद फिर क्या किया, क्योंकि हाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा कितने थे 28, और वो क्या है 28 पुरुष, तो पुरुष वाले दंड को हमने 28 तक ले जाके यहाँ तक बनाया और इसमें क्या बना दी, लाइन बना दी। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास पुरुष वाला। फिर महिलाएं, महिलाएं कितनी है 15, तो हमने 15 के लिए क्या किया, 14 और 15, 15 के इन दोनों के बीच में 15 होगा ना, तो यहाँ पे हमने बना दिया है 15। ठीक है, ये फिर लड़के हैं 5, तो क्या किया, 4 और 6 के बीच में आएगा 5, तो हमने यहाँ से कितना ले लिया, ये 5 लिया। और फिर लड़कियां, लड़कियां हैं आपके पास, लड़कियां हैं 12, तो 12 आपके पास ये रहा, यहाँ से हमने बना दिया लड़कियों के लिए, ये है 12, ये 5, यहाँ पे 15 और ये है 28। तो ये आपका तैयार है दंड आलेख। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इसको हम बोलते हैं जो यहाँ से ये लाइन पड़ी हुई लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्स भी बोलते हैं हिंदी में इसको, एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स एक्स के हमने लिखे खरीदने वाले के प्रकार, जिसमें पुरुष महिलाएं लड़के और लड़कियां हैं, और यहाँ पे हमने लिए खरीदारों की संख्या। वाई एक्स पे हमने क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे खरीदारों की संख्या लिखेंगे, खरीदारों की संख्या ली हमने वाई एक्स पे, और ये बना दिए दंड आलेख। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरा सवाल है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों का की साप्ताहिक मजदूरी निम्न है, मतलब यहाँ पे 30 मजदूर हैं और उनको हर महीने सॉरी हर सप्ताह के हिसाब से वेतन मिलता है, ये है 830, 835, 890 और ऐसे करते करते 806 और 840 है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको एक तो इनको वर्ग अंतरालों में बांटना है, और उसके बाद बारंबारता सारणी भी बनानी है, बारंबारता बंटन सारणी भी बनानी है, और इसमें क्या करना है, वर्ग अंतरालों में भी बांटना है। ठीक है, अब ये करते हैं क्वेश्चन 3 शुरू। ये है सवाल 3 में क्या दे रखा था, श्रमिकों की संख्या दे रखी थी और उनकी साप्ताहिक मजदूरी दे रखी थी। ठीक है, तो उसकी बारंबारता बंटन सारणी बनाई हमने, ये बनेगी, और इसने कह रखा था कि वर्ग अंतराल कैसे बनाने हैं, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830 और 830 से 840 और ऐसे करते करते 890 से 900 तक, क्योंकि इसमें जो हमने देखी है मजदूरी वो कितने तक है, 890 है यहाँ पे ये रहा, तो इसका मतलब कहाँ तक चलेगी, वो 900 तक चलेगी, 890 से 900 तक। ठीक है, अब हमने बनाई वर्ग अंतराल 800 से 810, पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, ये वर्ग अंतराल है 800 से 810, हमने पहले वाले वीडियो में ये जिक्र किया था, इसको आप क्या बोलोगे, निम्न वर्ग, ये क्या है निम्न वर्ग, और 810 को क्या बोलोगे, उच्च वर्ग, क्या है ये उच्च वर्ग, आप वर्ग अंतराल में उच्च वर्ग को नहीं गिनोगे, मतलब क्या हुआ, जिसकी मजदूरी 810 है उन श्रमिकों को आप इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत नहीं लेंगे। कहां कहां से शुरू होगा, 800 से लेके 809 रुपए तक की जिसकी साप्ताहिक मजदूरी है वो श्रमिक आएंगे इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत, 810 वाले कहां पर आएंगे, जो अगला वर्ग अंतराल बनेगा 810 से 820, उसमें 810 वाले आएंगे और 819 तक के आएंगे, इसमें आप 820 जिस श्रमिक की मजदूरी है उसको नहीं गिनोगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 800 से 810 वाले कितने मजदूर हैं यहाँ पे, 3, तो उसको मिलान चिन्ह में बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, अब 810 से 820 में है 2 मजदूर, तो यहाँ से हमने 2 मिलान चिन्ह बना दिए, 820 से 830 में 1, 830 से 840 में 9, तो 1 2 3 4, और इन दोनों चारों को काटते हुए 5 और 1 2 3 4, 5 और 4 ये बन गए 9, 840 से 850 में आए 5 मजदूर, 1 2 3 4 और ये 5, 850 से 860 में 1 है, 860 से 870 में 3, 1 2 3, 870 से 880
880 में एक, 880 से 890 में भी एक है और 890 से 900 में है आपके पास चार मजदूर। तो ये बन गई, क्या है ये, बारंबारता, बंधन सारणी। और इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, वर्गीकृत बंधन सारणी। इसको क्योंकि ये क्या किसमें है, वर्ग अंतरालों में है, इसको और हम क्या बोलेंगे, वर्गीकृत बंधन सारणी। ठीक है, अब आपके पास सवाल नंबर जो चार है उसमें क्या कहा है, प्रश्न तीन से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से आयत चित्र बनाओ। तो हमने ये बना दिया आयत चित्र। ठीक है, आयत चित्र बना के फिर क्या कहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मजदूरी है ना, मजदूरी शुरू हुई है 800 रुपए से। किसे शुरू हुई है, 800 रुपए से। तो जब हम यहाँ पे एक्स एक्स के अंतर्गत लेंगे, ये है आपके पास एक्स एक्स और ये है वाई वाई एक्स। एक्स एक्स के अंतर्गत हम लेंगे मजदूरी रुपयों में, कि मजदूरी है वो रुपए में और शुरुआत है 800 रुपए से। 800 रुपए से कम है नहीं, तो हम सीधा यहाँ पे 800 रुपए नहीं ले सकते। सीधा हम अगर यहाँ पे हम ऐसे बना दे ये सीधी लाइन और 800 लेंगे तो ऐसे नहीं होता। हाँ, एक्स एक्स है वो कहाँ से शुरू होती है, जीरो से, जीरो एक दो तीन चार पांच से शुरू होती है। लेकिन जीरो से लेके 800 तक का जो कर्म है ना, जो इसका हमें क्या है, इस सवाल में कोई भी उपयोग नहीं है। हमारी मजदूरी जो मजदूरों की मजदूरी वो कहाँ से शुरू हुई, 800 रुपए से शुरू हुई और 900 रुपए पे खत्म होगी। तो वैसे तो अगर हम देखें नंबर लाइन पे ये है, नंबर संख्या बनाएंगे तो ये बनेगी जीरो एक दो तीन और यू करते करते हम 800 पे जाएंगे, उसके बाद कहीं 900 होगा, उसके बाद 1000, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन हमारे काम क्या आना है, 800 से लेके 900 तक का अंतराल है वो हमारे काम में आएगा, बाकी ना इधर का काम आएगा ना जीरो से 800 तक आएगा। तो इसलिए हम अपने हिसाब से इसको लेने के लिए हम यहाँ जीरो के पास क्या लगा देंगे, इसको बोलते हैं ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलेंगे इसको, किंक। किंक क्या होता है, किसी भी सवाल में अब जो आंकड़े है वो बीच से शुरू हो, जीरो से शुरू ना होके कहां से शुरू हो, बीच से शुरू हो, तो हम सिर्फ जिन जो आंकड़े हमारे प्रयोग में आएंगे सवाल को हल करने के लिए हम वहीं से शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं जीरो से 800 तक का, तो ये आयत चित्र है वो खाली रखूं और 800 से 900 के बीच का बनाऊं और ऐसे ही बाकी सारा इधर भी खाली रखूं, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जहां से हमारे आंकड़े शुरू होते हैं हमने क्या लगा दिया, किंग का चिन्ह लगा दिया और 800 से क्या कर दिया, हमने अपने आंकड़े को शुरू कर दिया 800, फिर 810, 820, 830, 40 ऐसे करते करते यहाँ तक कितना आ गया, 900 तक। ठीक है, अब 800 से 810 के बीच में कितने मजदूर थे, तीन। 800 से 810 के बीच में हमारे पास मजदूर थे तीन। तो ये बनेगा, ये बनेगा 800 से 810 के बीच के तीन। उसके बाद 810 से 820 में, 810 से 820 में कितने हैं, दो। उसके बाद है 820 से 830 में है एक। इसके बाद 830 से 840 में है नौ। ऐसे ही चलते चलते हमने इन आंकड़ों की सहायता से ये आयत चित्र बनाया। क्या बना दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, आयत चित्र। आयत चित्र की क्या पहचान होती है, आयत चित्र में दंडों के बीच में दूरी नहीं होती, एक दंड से अगला जो दंड होगा वो उससे सटा हुआ होगा और सारे दंड क्या होंगे, एक दूसरे से सटे हुए होंगे, चाहे जितने भी हों। ठीक है, जो आपके पास ये बनता है एक दंड आलेख और द्विदंड आलेख, उनमें दंडों के बीच में दूरियां होती है, लेकिन आयत चित्र में दंडों के बीच में दूरी नहीं होती और इसका कारण क्या है, वर्ग अंतराल। इसका कारण क्या है, वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतराल का क्या होगा, 800 से 810, 810 से 820, तो उसके बीच में क्या है, इन वर्गों के बीच में दूरी नहीं है, इसी वजह से आयत चित्र भी आपका क्या बनेगा, दंड है वो एक दूसरे से सटे हुए इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना पांचवा क्वेश्चन, वो करते हैं हल। सवाल संख्या पांच है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने के समय दिए गए आलेखों में दर्शाए गए, जो टीवी देखने का समय है उसको आलेखों की सहायता से दर्शाया गया है और ये है आपके पास आलेख, इसको हम बोलेंगे आयत चित्र। ठीक है,
है इसको हम क्या बोलेंगे, आयत चित्र। आयत चित्र में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये है विद्यार्थियों देखे गए टीवी देखे गए समय, ये है आपके पास समय और ये है घंटों में, ये है आपके पास समय घंटों में और ये है विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। ये आयत चित्र दिया गया है, इसकी सहायता से आपको इन प्रश्नों के हल करने हैं, इन सवालों के उत्तर देने हैं। क्या है पहला, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। अधिकतम अधिकतम कितने हैं, 32 विद्यार्थी हैं और इन 32 विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा है, 4 से 5 घंटे। तो पहले जो सवाल है इसका होगा 4 से 5 घंटे। अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे, 32 और 21 वर्ग अंतराल में आते हैं 4 से 5। 4 से 5 घंटे तक टीवी देखने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 32 विद्यार्थी हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटों से कम समय तक, अगर 4 घंटे कहाँ पर है, ये वर्ग अंतराल 4 यहाँ, तो हम क्या करेंगे, 4 घंटे से कम वाले इधर है, 1 घंटा 2 3 चार घंटों से कम बोला, 4 घंटों से कम वाले, तो कम वाले में कितना आएंगे, यहाँ से यहाँ तक के कितने हैं, 22 विद्यार्थी, तो है 3 से 4 में और 2 से 3 में है 8 विद्यार्थी और 1 से 2 में है 4 विद्यार्थी। 22 और 8 बन गए 30 और 4 कितने बन गए हमारे पास 34। तो दूसरा है सवाल, उसमें कितने आएंगे, 34 विद्यार्थी। तीसरा सवाल है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। 5 घंटे से अधिक समय लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो ये इसमें आए चित्र में देखेंगे 5 घंटे से अधिक वाले विद्यार्थी हैं, ये 5 से 6 और 6 से 7, तो ये कितने हैं, 8 जमा 6 कितने बन गए विद्यार्थी, 14। तो 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से ज्यादा समय लिया है टीवी देखने में, ठीक है। इसी के साथ प्रश्नावली 5.1 खत्म होती है और आपका दिन मंगलमय हो इसी शुभकामना के साथ। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ।